यहाँ पे आपको चार्ट पे ये चार कैंडलस्टिक दिख रहा है और चारों कैंडलस्टिक का कलर आपको ग्रीन दिखेगा। ग्रीन कलर जरूर है, लेकिन अगर आप इन चारों कैंडलस्टिक को एक जैसा ट्रीट करोगे तो आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। ये चारों कैंडलस्टिक हमें डिफरेंट कहानी कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला कैंडलस्टिक यहाँ पे हमें बता रहा है कि मार्केट को टोटली बायर्स कंट्रोल किए हुए, सेलर्स का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इस फोर्थ कैंडलस्टिक के ऊपर बात करें तो इसका कलर ग्रीन जरूर है, लेकिन ये बता रहा है कि सेलर्स मार्केट में हावी है, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं। तो आपको कैंडल के कलर पे नहीं जाना, उसके बिहेवियर को समझना है। और ये दोनों कैंडलस्टिक भी हमें कुछ और कहानी कह रहा है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और लाइव मार्केट में यहाँ पे हम इन चारों कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इन चारों कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि कैसे पावर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, कैसे मार्केट में जब बायर्स एक्टिव रहते हैं उसके बाद सेलर्स मार्केट को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप का कैंडलस्टिक होगा लेकिन उसका कलर रेड होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हमें क्या क्या अलग अलग इंडिकेशंस दे रहा है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम इन चारों कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैंडलस्टिक कैसा है, इसमें आपको ऊपर और नीचे टेल लगभग नहीं के बराबर ही दिखेगा, यानी पहला कैंडल आपका ये जो कैंडल मैंने आपको बताया था इस कैंडल जैसा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस प्राइस पे कैंडलस्टिक ओपन हुआ था वहाँ पे भी बायर्स यहाँ पे फुल्ली इंटरेस्टेड है और जहाँ पे कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग दिया वहाँ पे भी बायर्स फुल्ली इंटरेस्टेड है। मतलब इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस तक बायर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे और हर एक लेवल पे यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल रहा था, इसलिए हमें ना ही टॉप और ना ही बॉटम कहीं पे भी हमें टेल देखने को नहीं मिला था। ये कैंडलस्टिक हमें दिखाता है क्या कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो हमें आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो समझ जाइए कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, क्योंकि बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। ये कैंडलस्टिक बताता है कि मार्केट में सेलर्स का नामो निशान खत्म हो गया है, यही चीज़ बता रहा है। तो ये कैंडलस्टिक को अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो समझ लीजिए कि अप ट्रेंड और आगे कंटिन्यू होने वाला है, डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो ये आपका ट्रेंड रिवर्सल का भी हिंट और इंडिकेशंस देता है। तो ये एक कैंडलस्टिक हमें अलग अलग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद ये वाला कैंडलस्टिक देखिए, ये आपका सेकेंड कैंडलस्टिक है। इसमें भी आपको ऊपर में टेल दिखेगा और यहाँ पे भी ऊपर में टेल दिखेगा, नीचे में भी टेल है, नीचे में भी टेल है। मतलब ये कैंडलस्टिक कहने का मतलब क्या है? ये कैंडलस्टिक कहने का मतलब है कि बायर्स अभी भी मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायर्स थोड़े से वीक यानी कमज़ोर जरूर हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे थोड़े से कमज़ोर हुए। ये कैंडलस्टिक यहाँ पे हमें चीख चीख के बता रहा है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको नुकसान नहीं तो और क्या होगा। तो ये कैंडलस्टिक बिहेवियर हमें बता रहा है कि कैसे एक टाइम पे मार्केट में सेलर्स का कोई नामो निशान नहीं था, उसके बाद बायर्स पूरे मार्केट कंट्रोल किए हुए थे, फिर आगे आने वाले टाइम में बायर्स यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं और धीरे धीरे अगर आप ऊपर जाएंगे तो बायर्स आपके कमज़ोर होते ही चले जाएंगे। तो कैंडलस्टिक हमें सारा स्टोरी बता देता है कि मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करने वाला है, उससे पहले कैंडलस्टिक हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर दे देता है। बस आपको वो जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझना पड़ेगा, उसको समझ जाएंगे तो आप लॉस से बच जाएंगे और सही समय पर प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। ये दो कैंडलस्टिक को आपने अच्छे से समझ लिया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका ऊपर में टेल, नीचे में छोटा सा टेल और यहाँ पे भी ऊपर टेल नीचे छोटा टेल दिख रहा है। मतलब ये दोनों कैंडलस्टिक भी आपका सेकेंड कैंडलस्टिक जैसा है जहाँ पे बायर्स थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, यानी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट ही हुआ है लेकिन वहाँ पे बायर्स में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, लेकिन बायर्स अभी भी मार्केट को कंट्रोल किए हुए, ये चीज़ आपको यहाँ पे एकदम क्लियर कट समझना है। आगे हम और भी देखते हैं और भी कैंडलस्टिक के पैटर्न को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे मौजूद है और यहाँ पे अगर आप इस कैंडलस्टिक को देखोगे, क्लियर आपको दिख रहा होगा, इस कैंडलस्टिक को देखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में अच्छा खासा टेल देखने को मिल रहा है और ऊपर में भी छोटा सा टेल यानी नेग्लिजिबल टेल के बराबर। मतलब ये जो कैंडलस्टिक बना है ये आपका थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक है, यानी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांगर है लेकिन मार्केट में सेलर्स भी एंट्री कर चुके हैं, सेलर्स भी यहाँ पे आपके एक्टिव हो चुके हैं। ये कैंडलस्टिक हमें क्लियर कट दिखा रहा है कि सेलर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं लेकिन अभी भी स्ट्रांगर कौन है, अभी भी यहाँ पे जो बायर है वही यहाँ पे स्ट्रांग हैं। मतलब बायर स्ट्रांग जरूर है लेकिन सेलर्स ने एंट्री कर लिया और आगे आने वाले टाइम में सेलर्स भी स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए ये कैंडलस्टिक हमें और ज़्यादा वीकनेस का हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम
लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे बुलिश कैंडलस्टिक आपका कमजोर होता हुआ जाएगा। और अगर आपको कहीं पे ये फोर्थ वाला कैंडलस्टिक दिख जाए तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर्थ वाला कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, इसका यही मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और बायर्स सिर्फ यहाँ पे अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, सिर्फ अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहे। तो ये कैंडलस्टिक दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स पहले एक्टिव हुए थे इस कैंडल पे, वो सेलर्स यहाँ पे क्या हो गए, वो सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और जो बायर्स थे वो बायर्स यहाँ पे कमज़ोर हो गए, जो बायर है वो यहाँ पे वीक हो गए और सेलर्स आपके स्ट्रांग हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम बायर टू सेलर। यही आपको समझना है क्योंकि मार्केट में हमेशा दो ही लोगों के बीच में फाइट होता है, बुल और बियर, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में ही फाइट होता है और हर एक कैंडलस्टिक के क्लोजिंग में जो जीतता है कैंडलस्टिक उसके कलर का बन जाता है, बायर्स जीतता है तो ग्रीन बनता है, सेलर्स जीतता है तो रेड बनता है। लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक का कलर हमें पूरा स्टोरी नहीं बताता, तो आप यही कैंडलस्टिक को देख लीजिए, इसका कलर आपको ग्रीन जरूर देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे पूरा दबदबा किसका रहा, पूरा दबदबा रहा है सेलर्स का, यानी लगभग 80% टाइम कम्प्लीटली सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए थे। इसलिए प्राइस जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह का ग्रीन कैंडल भी कहीं पे दिख जाए, समझ जाइए कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, सेलर्स मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं। ये कैंडलस्टिक बिहेवियर आपको समझना जरूरी है। चलिए इसका हम और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम TCS का एग्जांपल लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने TCS के डेली चार्ट को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे भी हम इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपको इस एग्जांपल पे देखना, ये एग्जांपल कौन सा है, फोर्थ कैंडलस्टिक, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक वाला एग्जांपल है और ये कैंडलस्टिक हमें क्या बता रहा है, ये कैंडलस्टिक बता रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो गए, बायर्स का सिर्फ प्रेजेंस है, बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए। और जब बायर्स कमज़ोर हो जाते हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से आपका नीचे की तरफ जा सकता है और उसके बाद देखिए थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गया और मार्केट नीचे की तरफ गिरा, यानी मार्केट नीचे गिरने से पहले ही ये कैंडलस्टिक आपको बता दिया है कि बाबू मार्केट नीचे गिरने वाला, निकल जाओ, टाइम अच्छा है, नहीं तो बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वार्निंग यहाँ पर आपको यहीं पर दे दिया था। इसलिए जो लोग समझदार होते हैं, जो लोग इसको सही इंटरप्रेट कर पाते हैं वो निकल जाते हैं सही टाइम पे, अदरवाइज जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इस तरह के ट्रैप से बचाया जाए, आपको सही समय पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताया जाए। यहाँ पे हम और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फोटो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो क्योंकि हम इसी चार कैंडलस्टिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको यही चार कैंडलस्टिक लगभग 50% मार्केट के बारे में आइडिया दे देता है। तो यहाँ पे हम इस कैंडलस्टिक पे फोकस करते हैं। ये कैंडलस्टिक कैसा है, आपका पहला ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक है इस जैसा फॉर्म हुआ है, यानी यहाँ पे कोई भी टेल पार्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली बायर्स मार्केट में हावी है और सेलर्स का कोई नामो निशान नहीं है, यानी यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये कैंडलस्टिक हिंट दे दिया कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाने वाला, उसके बाद देखिए मार्केट आपका 3600 से ऑल द वे 3700 और इवन उससे ऊपर भी गया है। तो इस तरीके से आप मार्केट के डायरेक्शन को भी फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। और मैंने क्या बताया था, ये कैंडलस्टिक अगर अपसाइड ट्रेंड में बनता है या फिर निगेटिव या फिर न्यूट्रल कोई भी ट्रेंड हो मार्केट का, अगर उसके बाद इस तरह का कैंडलस्टिक बना, समझ जाइए कि प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। कुछ और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस आपका लगभग 3600 से ऑल द वे 3800 यानी 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखाया, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये अच्छा खासा परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बनाया जहाँ पे बायर्स थोड़े से कमज़ोर जरूर हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स वीक हुआ। मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यही चीज़ समझना है और लाइव मार्केट में यही सब चीज़ आप भूल जाते हो, बार बार कमेंट सेक्शन में फ़ोन पे यही सब आप पूछते रहते हो क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता दिया रहता हूँ। बायर्स वीक हुए लेकिन यहाँ पे भी सेलर्स का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये कैंडलस्टिक में हमें क्या बता रहा है, प्राइस यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका 3700 करीब बना था और यहाँ से प्राइस आपका और 3% का अपसाइड मूव दिखाया है। उसके बाद हम कुछ और कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए अप ट्रेंड है और जब ये डाउन ट्रेंड होने वाला होगा उससे पहले मार्केट आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर दे देगा। अब देखिए कैसे कैसे पावर शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले कंप्लीटली बायर्स थे, सेलर्स का कोई नामो निशान था, कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, कैंडल थोड़ा सा वीक हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला कैंडल जो मैंने आपको फोटो में बताया था वो था, दूसरा कैंडल सीरियल वाइज बन रहा है, उसके बाद तीसरा कैंडल भी यहाँ पे सीरियल वाइज देखने को मिला। यहाँ पे देखिए सेलर्स अब आपके एक्टिव हो चुके हैं,
सेलर्स एक्टिव है लेकिन अभी भी बायर यहाँ पे स्ट्रांग है। बायर्स स्ट्रांग जरूर है लेकिन सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। पहला दो कैंडल में सेलर्स का कोई नामो निशान नहीं था लेकिन तीसरा कैंडल पे सेलर्स ने एंट्री मारा, सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं लेकिन बायर अभी भी स्ट्रांग है। अब हमें ये फोर्थ वाला कैंडलस्टिक देखना है। जैसे ही फोर्थ वाला कैंडलस्टिक मिलेगा मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या खोजना था, इस टाइप ऑफ कैंडलस्टिक खोजना था। अब यहाँ पे संयोग से आपके लिए एक और बेहतरीन एग्जांपल मिल गया कैंडल ब्लेंडिंग का। इसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा, वीडियो नहीं देखा इसको यहीं पे पॉज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। अब हम इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं। कभी कभी आपको सिंगल कैंडलस्टिक मिल जाएगा लेकिन कभी कभी आपको चकमा देने के लिए ये सिंगल कैंडलस्टिक नहीं मिलेगा। अगर हम इन दोनों कैंडलस्टिक को ब्लेंड करेंगे तो ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा। तो आपको मार्केट के अंदर घुसना पड़ेगा, दूरदर्शी बनना पड़ेगा, कभी कभी कैंडल को ज्वाइन करके भी देखना पड़ेगा। कभी मार्केट आपका आसान रहेगा, कभी मार्केट डिफिकल्ट रहेगा, कभी रीड करना आसान रहेगा, कभी रीड करना डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ है, ग्रीन कैंडल है तो मार्केट आपका यहाँ पे ओपन हुआ, रेड कैंडल है तो क्लोजिंग यहाँ पे दिया, यानी बॉडी आपका इतने साइज का होगा, यानी ये मेरा बॉडी हो गया। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट ये है तो टेल आपका यहाँ तक जाएगा। तो देखिए ऐसा कैंडल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया, यानी सिस्टमैटिक दे रहा। पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल ये, चौथा कैंडल बनते ही क्या हुआ, प्राइस गिरा कि नहीं गिरा। तो कैसे देखिए सिस्टमैटिक वाइज जा रहा, सारा कुछ हमें बताते गया, कहीं हमें धोखा नहीं दिया। मार्केट आपको धोखा नहीं देता है, आपका समझ आपकी नॉलेज आपको धोखा देता है। मार्केट हमेशा आपको सब कुछ बताते हुए चलता है, लैक ऑफ नॉलेज वही आपका लॉस का कारण है, मार्केट कभी लॉस का कारण नहीं बनता है। कितनी आसानी से टीसीएस ऊपर की तरफ गया है, गिरने से पहले आपको सारा हिंट और इंडिकेशंस दे दिया। अब इससे बेहतर आपको क्या चाहिए, वो आपको फ़ोन करके तो नहीं बता सकता है कि भाई मार्केट गिरने वाला निकल जाओ, आपको इसी कैंडलस्टिक के जरिए बता सकता है। ये आप सीख लो तो फिर आप बच सकते हो, आप यहाँ पे निकल सकते थे, यानी लगभग 37-60 पे आप निकल सकते थे, अच्छा खासा पॉइंट था निकलने का, वहाँ पे निकल सकते थे और जिस भी लेवल बाई किए होंगे प्रॉफिट जरूर